सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। गाजीपुर जनपद के अम्बा की सती माई का स्थान लोगों की आस्था व विश्वास का केंद्र बना हुआ है। अम्बा सती माई का स्थान गाजीपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर पूर्व मोहम्मदाबाद करीमुद्दीनपुर चितबड़ा गांव मार्ग पर परसा मोड़ से 12 तिराहीपुर मार्ग पर सिहूरे अमहट बाजार के पास थोड़ी दूर पश्चिम और रसडा स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर बलिया गाजीपुर सीमा पर स्थित है। अम्बा गाँव की सती माई सर्प के जहर का नाश करने वाली मानी जाती है। अम्बा में स्थित सती माई का दरबार इस वैज्ञानिक युग में झुठलाने वाला है। सर्पदम नष्ट से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर न केवल पास पड़ोस के जनपदों से बल्कि अन्य प्रदेशों से पीड़ित आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय दुकानदारों की माने तो यहां पर कई सर्पदम नष्ट पीड़ितों को जीवन दान मिल चुका है। देश के अन्य देवी मंदिरों की भांति यहां पर भी चैत्र और आश्विन कवार की नवरात्रि सावन महीने तथा नागपंचमी को श्रद्धालुओं का पूजा पाठ के लिए तांता लगा रहता है। सती माई को लेकर इलाके में एक किंवदंती प्रचलित है जिसे बड़े बुजुर्गों के मुख से आज भी सुना जाता है, जिसके अनुसार अम्बा सिंह गाँव के परमल सिंह की शादी बलिया जनपद के दौलतपुर गाँव में हुई थी। विदाई कराकर अपनी पत्नी को लेकर वे गाँव चले आए। अभी सुहागरात भी नहीं हुई थी। वह अपने खेत की तरफ घूमने गए तो रास्ते में ही उन्हें सांप ने डस लिया, फलस्वरूप परमल सिंह की मौत हो गई। यह खबर उनकी पत्नी को मिली तो वह रोती बिलखती शव के पास गई और दहाड़े मांच कर गिर पड़ी और शरीर का त्याग कर दिया। उस वक्त सती का पता नहीं चल सका। अब वह स्थान अम्बा की सती माई के नाम से चर्चित हो गया। बुजुर्गों ने बताया कि काफी दिन बीतने के बाद एक चरवाहा गाय चरा रहा था, उसी दौरान उसे सर्प ने डस लिया। वह अपने घर की ओर भागा जा रहा था, किंतु जैसे ही सती माई का स्थान आया तो वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। यहाँ गिरने के कुछ समय बाद सर्प का जहर खत्म हो गया और जीवित होकर भला चंगा हो गया। कहते हैं कि उसके लौटने के बाद यह चर्चा चारों तरफ फैल गई और सर्पदमनश से पीड़ित यहाँ आकर सर्पदमनश के जहर से मुक्ति पाने लगे। मंदिर के पुजारी अजनी सिंह सर्पदमनश के जहर से मुक्ति पा चुके तमाम लोगों के साक्षात गवाह हैं। यहाँ प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को भक्तों का हुजूम अपनी मन्नतें पूरी होने पर पूजा पाठ करता है। नवरात्रि में काफी दूर दराज कई जिलों प्रदेशों से भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ती है।